हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज मैं रेडी हो गई हूँ एशियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज को विजिट करने के लिए, जो कि जैसलमेर से केवल 20 किलोमीटर दूर है। और यहाँ जाने के लिए आपको बाइक का सहारा लेना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पहुँचने का रास्ता भी थोड़ा सुनसान रहता है, क्योंकि दोनों साइड है थार डेजर्ट और बीच में रोड है जो आपको सीधा इस गाँव तक लेके जाएगी मेरी तरह। और गाइस, आपको इस भूतिया गाँव को देखने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट के बाद मुझे मिलते हैं ये दादाजी, जो कि यहाँ हमेशा बैठे रहते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम। यहाँ कब से रहते हैं आप? मैं भूमि से रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं तो लखनऊ से आई हूँ अंकल। फोटो आपके मोबाइल के अंदर तेरे पड़ा है यूट्यूब में, मैंने देखा था आपको। वैसे मैंने पहले के व्लॉग्स में देखा था ये दादाजी यहाँ बैठे रहते थे, पर ये मुझे सच में मिल जाएंगे ये मुझे पता नहीं था। यहाँ जाते ही सबसे पहले बैठी हुई मुझे ये आंटी दिखाई पड़ती हैं। इनकी डिमांड थी इनको नई नोट चाहिए और खाना चाहिए, तो मेरे पास खाना नहीं था पर नई नोट थी, तो मैंने इनको दे दी और मैं आगे निकल गई। गाइज, यहाँ पहुंचकर आपको पहली झलक में तो ऐसा लगेगा कि आप किसी मूवी के शूटिंग वाले गांव में आ गए हो, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे गांव तो होते नहीं है, पर मूवीज में ऐसे ही गांव दिखाए जाते हैं। तो मतलब मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा था, काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ किसी गाँव में विजिट करने आई हूँ। गाइज, बाहर से दिखने वाले इन सुंदर सुंदर घरों में अंदर ऐसा होगा ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। मतलब मैं जैसे ही इस रूम के अंदर जाती हूँ, यहाँ बहुत सारी चमगादड़ होती हैं, बहुत गंदी सी स्मेल आ रही होती है, और सच में यहाँ डर लगता है। और बिल्कुल थोड़ा सा डरने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ यहाँ की और चीजों को एक्सप्लोर करने। गाइज, अभी मैं जिस घर से होकर आ रही हूँ वो उतना ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको काफी ज्यादा रेनोवेट कर दिया है, पेंटिंग्स बना दी हैं, दीवार सही करवा दी है। पर जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे के घर, मतलब घर क्या, वो केवल खंडर बचे हैं। गाइज, अभी मैं आपको यहाँ प्रचलित कथाएं, जो कहानियां हैं वो बताने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इसे एशियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज कैसे बना दिया गया। कहते हैं इस गांव को पूर्ण रूप से पाली से आए हुए ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। ये गांव यहां के मंत्री सलीम सिंह की जागीर या राज्य हुआ करता था। सलीम सिंह बहुत ही ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक था। यहां के प्रधान की बेटी उसको पसंद आ जाती है और वो इन गांव वालों से उस लड़की को भेजने के लिए कहता है। गाँव वालों के पास केवल अमावस की रात तक का समय था। उन्हें पता था विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे पूरे गांव को दंडित किया जाएगा, उनसे मनचाहा कर वसूला जाएगा। इसलिए अमावस की रात में यहां स्थित प्राचीन देवी के मंदिर में एक सभा बुलाई गई, जहां सारे गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। लेकिन उस क्रूर शासक के पास अपने गांव की इज्जत, अपने गांव की बेटी को नहीं भेजेंगे। इस सभा के बाद यहां रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर यहां से हमेशा के लिए चले गए, और वो कहां चले गए ये आज तक कभी किसी को पता नहीं चला। उन्होंने जाते जाते इस गांव को श्राप दिया था कि यहां दोबारा कभी कोई नहीं बसेगा, तो एक्चुअल में यहां कभी कोई नहीं बसने आया। और कहते हैं उन गांव वालों की आत्माएं इस गांव में अभी तक रहती हैं, इसलिए यहां आसपास रहने वाले लोग सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही यहाँ के टूरिस्ट को अलाउ करते हैं आने के लिए। उसके बाद यहाँ बिल्कुल कोई नहीं आ सकता है, इसका गेट बंद कर दिया जाता है। और दूसरी कथा जो मुझे यहाँ के बोर्ड में लिखी हुई मिलती है, उसके अनुसार एक कारण तो सलीम सिंह की क्रूरता थी, पर दूसरा कारण यहाँ आने वाला भूकंप और सूखा था, जिसके कारण लोग भूखमरी का शिकार हो रहे थे, तब वो एक ही रात में इस गांव को छोड़कर चले गए। खैर छोड़ो, अब तो ये है टूरिस्ट प्लेस, और मैं आपको यहाँ बने हुए पनारे दिखाती हूँ। यहाँ पानी का सिस्टम काफी अच्छा था। इस छत में पूरे 4 पनारे लगे हैं, मतलब पानी सीधा नीचे आता है। तो गाइस चलो, अब मैं आपको यहाँ बने हुए सुंदर सुंदर घरों के अंदर लेके चलती हूँ और वहाँ की चीजें दिखाती हूँ। घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये गांव के किसी समृद्ध व्यक्ति का घर है, क्योंकि यहाँ की दीवारें, आंगन बहुत बड़ा है। बाकी
है, सुंदर सुंदर खिड़कियां बनी हुई है। ये हमारे गांव में भी पहले होते थे, इनको हम आला बोलते थे और अवधि में इनको आहरा कहते थे। तो यहाँ पे हम ना सामान रखते थे, तो वैसे भी यहाँ पे चिड़िया ने घोंसले बनाए हैं, यहाँ थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। और ये दरवाजे देखिए, ये चौखट है, बड़ा सा आंगन है और ऐसा लग रहा है यहाँ तुलसी का पेड़ लगाया जाता था, पूरा पॉट में बना हुआ है। तो वो जो घर थे वो रेनोवेशन के बाद वाले हैं, और ये जो घर है ये एक्चुअल में उन पालीवाल ब्राह्मणों के घर हैं जहाँ वो पहले रहा करते थे, जिनको वो छोड़कर चले गए थे 200 साल में। गाइस आप इनकी हालत देखिए, मतलब क्या थे और कैसे क्या हो गए ये, ना कोई छत बची है ना कोई दीवार बची है ढंग की, बस ऐसे ही खंडर है। और यहाँ जाते हुए सच में आपको बहुत डर लगेगा। अभी तो दिन है इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, और मेरे साथ 4-6 टूरिस्ट और आए हैं इस पूरे विलेज को देखने, तो मुझे इतना खराब नहीं लग रहा है। पर सोचिए अगर आप अकेले हो और यहाँ की चलने वाली भयंकर हवाएं, मतलब काफी ज्यादा डर लगेगा आपको। मैं जैसलमेर में पिछले 5 दिन से घूम रही हूँ, पर ये वाली फीलिंग मुझे आज पहली बार आ रही है। मतलब यहाँ की धूप और धूल दोनों मिलके आपको बहुत इरिटेट करने वाले हैं। मैंने दुपट्टे को अपने सर से ढक लिया है क्योंकि धूप यहाँ की बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये इतना बड़ा है कि घूमते घूमते ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये एक शॉप है जो कि अभी बंद है, पता नहीं ये कभी खुलती है कि नहीं। ये जैसलमेर से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी चीज, आप हो सके तो आप छाता ले आइए क्योंकि धूप बहुत भयानक होती है। पानी की बोतल तो आपको जरूर लानी है क्योंकि रास्ते में आपको एक आध शॉप मिलेंगी, पता नहीं वो खुली हो या ना हो, अभी तो एक भी नहीं खुली थी। यहाँ आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, और घूमने में आपको, आप कितना भी जल्दी करेंगे 1 घंटा तो लग जाएगा। आपको प्यास बहुत लगेगी क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है और हवा बहुत चल रही है, तो आपको अपने साथ पानी की बॉटल, कुछ खाने का सामान और छाता और कैप्स वगैरह हो सके तो सब लेकर आना है। गाइस ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है माता जी का, और मैं आपको बता दूं ये वही मंदिर है जहां पर सभा बुलाई गई थी जिसके बाद पूरे गांव वालों ने इस गांव को छोड़ने का डिसीजन लिया था। इस मंदिर की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि यहां पूजा पाठ नहीं होता है और चमगादड़ों ने इसे अपना घर बना रखा है। बहुत ज्यादा पॉटी पड़ी है और बहुत गंदा लगता है। सो गाइस अभी मैं आपको यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह पर लेकर आ गई हूँ जो पूरा रेनोवेट कर दिया गया है और यहाँ काफी अच्छा लगता है, और इसके अंदर ये खंडर टाइप का कुछ छोड़ दिया गया है ताकि आपको लगे कि आप कुलधरा में हैं, आपको पूरा फील आए। सो गाइस अभी मैं इसे घूम कर बस वापस आ गई हूँ, यहाँ एक दो फोटो खिंचवा के मैं अभी जा रही हूँ घर। अगर आप कभी कुलधरा आए हो, जैसलमेर आए हो, तो अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताना, और प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। ओके बाय।